प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा का आखिरी दिन, वाराणसी पहुंच बोला पीएम मोदी पर हमला, पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, रैली स्थल पर भिड़े भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता। सत्ता जिसके सर पे चढ़ जाती है ना, उनको दो गलत फहमियां हैं, जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, पार्टी में उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है। आजकल वो गंगा यात्रा पर निकली हुई हैं, जिसके आखिरी दिन वो वाराणसी पहुंची। प्रियंका अपने मकसद के तहत खास तौर पर मोदी पर हमलावर हुई और उन्होंने कहा कि भाजपा पर आज सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। भाजपा सरकार की नीतियां जमीनी हकीकत से दूर हैं, लेकिन वो अपने झूठे वादों और बातों से सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। उनके खिलाफ बोलने वालों को वो डराते हैं, लेकिन हम उनसे डरेंगे नहीं। सत्ता जिसके सर पे चढ़ जाती है ना, उनको दो गलत फहमियां होती है, पहली ये कि जनता को गुमराह करना आसान है, और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है। चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं हैं, हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। प्रियंका ने वाराणसी में पहुंचकर प्रचार अभियान चलाया। वहां उन्होंने सबसे पहले रामनगर शास्त्री चौराहे पर लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बाहर खड़े दो गुटों में बहस भी शुरू हो गई, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच मारपीट भी हुई। इस घटना से कुछ देर के लिए गहमा गहमी हो गई, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता शास्त्री जी की मूर्ति पर प्रियंका के माल्यार्पण से इतने नाराज हुए कि उन्होंने शास्त्री जी की मूर्ति का गंगा जल से शुद्धिकरण किया और यहाँ एक बार फिर मोदी मोदी के नारे लगे। ऐसा ही विंध्यवासिनी में हुआ था, जब प्रियंका गांधी मंदिर में पूजा कर रही थी तो वहां भी मोदी मोदी के नारे लगने लगे थे। फिलहाल प्रियंका गांधी पूर्वांचल के तूफानी दौरे पर कांग्रेस के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं।